उज्जैन के अरविंद नगर में रहने वाले पेट्रोकेमिकल व्यवसायी अशोक पोरवाल की बेटी निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर अपने परिवार और समाज का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। बुधवार की रात जैसे ही फेमिना मिस इंडिया 2024 के विजेता की घोषणा मुंबई के वर्ली में हुई, वैसे ही पोरवाल परिवार में जैसे खुशियां ही खुशियां छा गई। अब निकिता आने वाले समय में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करेंगी। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली निकिता पोरवाल के दादाजी धन्नालाल पोरवाल ने बताया कि हमारा ही नहीं पूरे उज्जैन और मध्य प्रदेश का नाम इस सफलता से गौरवान्वित हुआ है। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी पोती ने उज्जैन की पहचान को देश भर में बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। उज्जैन शहर से तो पहली बार कोई मिस इंडिया बना है। शुरुआत से निकिता घर पर फैंसी ड्रेस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेती रहती थी। पढ़ाई करने के साथ साथ एक्टिंग और एडिटिंग का काम भी बड़ोदरा से सीखा, जिसके बाद वो रामलीला और कृष्ण लीला जैसे बड़े आयोजनों से जुड़ी रही। इसके बाद वो ओरछा, अयोध्या, बेंगलुरु, उज्जैन और अन्य स्थान पर कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाती रहती थी। रामलीला में वो सीता का किरदार निभाती तो कृष्ण लीला में राधा बनती थी। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के साथ ही निकिता ने कभी भी अपने दूसरे शौक छोड़े नहीं थे। वो ड्रामा, पेंटिंग और लेखन के क्षेत्र के साथ ही फिल्में देखने को भी अपना शौक मानती थी। ड्रामा में निकिता को काम करने का कुछ ऐसा शौक था कि वो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी थी। बताया जाता है कि निकिता ने छोटी उम्र में ही अपना करियर बनाने की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में भले ही उनका मन पढ़ाई लिखाई की ओर था, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ोदरा गुजरात जाकर एक्टिंग और एडिटिंग सीखी थी। यही कारण था कि लगभग 18 साल की उम्र में वो टीवी होस्ट बन गई थी। निकिता में लेखन करने का भी शौक था। यही कारण है कि उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज के लिए डायलॉग लिखे। निकिता के दादाजी धन्नालाल पोरवाल बताते हैं कि निकिता मंच पर जिस किरदार को निभाती थी उसके डायलॉग और स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखती थी। बड़ी खुशी की बात है, रात के 12 बजे मुझे जब समाचार लगा, मैं सो गया था, मेरी बिटिया ने उठाया कि मिस इंडिया बन गई निकिता, तो दोहरा अमृत का पान किया हमने। शरद पूर्णिमा का तो था ही, और निकिता की जो मिस इंडिया की थी वो दोहरा अमृत पान किया हमने। और बाबा महाकाल की कृपा से हम हमेशा उनसे मन्नत कहा करते थे, आज भी हम यही गए, सुबह घूमने में ही गए, बाबा महाकाल के दरबार में गए कि बाबा हमारी मन्नत तुमने मान ली। और वो यहाँ कैमरी स्कूल में रही, यहाँ पढ़ी, बचपन से ही उसको नाटकों में भाग लेने का शौक था। मम्मी से कहती थी, मम्मी फैंसी ड्रेस मुझे तैयार करके भेज दो। मोहल्ले में गरबे होते थे, उनमें भी पार्टी फिजिट करती थी वो। उसका लक्ष्य है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया है शायद। और मिस वर्ल्ड में जाना ही है उसे, और उसके साथ ही बॉलीवुड में भी वो प्रयास करेगी क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। रुचि इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो शुरू से तैयार रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आगे भी निकलती थी वो, क्लियर भी होती थी मतलब वो। निकिता के शुरुआती दौर से लेकर अब तक आप उसके साथ ही रही हैं, आपने काफ़ी समय उसके साथ बिताया है, किस प्रकार से आप देखते हैं उसके सफ़र को, कितना संघर्ष रहा, कितने सपोर्ट रहा, कैसे मानती हैं? सपोर्ट तो उसको फैमिली का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहा है उसको फैमिली का। उसने जो भी किया है उसको उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसके साथ में रहे हैं, और हम लोग भी साथ में रहे। मुंबई के वर्ली में हुए मिस इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले में आगर रोड स्थित अरविंद नगर निवासी निकिता पोरवाल को मिस इंडिया चुने जाने की जानकारी जैसे ही परिवार के लोगों को लगी, वैसे ही देर रात से ही लोगों का उनके घर पर पहुंचना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने निकिता के परिजनों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। निकिता पेट्रो व्यवसायी अशोक पोरवाल और राजकुमारी पोरवाल की पुत्री हैं। वो स्थानीय कॉर्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी में शिक्षा के दौरान ही बॉलीवुड में जाने का सपना सजोई थी।